अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में आतेर के बगीचे स्थित अम्बे माता मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुहैया करते हुए वारदात में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। मंदिर परिसर में नशे का आतंक है, जिसके चलते यहां नशे की सामग्री भी देखी गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नशे की लत को पूरा करने के लिए मंदिर में चोरी की वारदात की गई है। वैशाली नगर स्थित आतेर माता मंदिर परिसर में अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार रात मंदिर परिसर में लगे चांदी के छत्र और अन्य कीमती सामान चुरा लिए और मौके से फरार हो गए। जब पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया तो वहां मंदिर के अलग अलग स्थान पर नशे की सामग्री पाई गई, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने भी नाराजगी व्यक्त की है। बताया है कि यहां आए दिन नशे का सेवन करने लोग पहुंचते हैं, जिसके कारण मंदिर परिसर में माताएं बहनें भी कम आती हैं, लेकिन बेखौफ बदमाश यह हरकत करते हुए बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि नशेबाज बदमाशों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही मंदिर परिसर में भी सीसीटीवी लगवाया जाए, जिससे कि इन बदमाशों पर नजर रखी जा सके। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वार्ड नंबर 74 है और वैशाली नगर क्षेत्र के अंदर ये आता है क्रिश्चनगंज, और ये माता जी का 100 साल 150 साल प्राचीन मंदिर है। आतेड़ माता का मंदिर है। हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं टाइम टाइम पे, मगर पिछले एक कल के दिन कल रात में ताले टूट गए हैं माता जी के और चोरी हो गई है, और माता जी का यहाँ से छत्तर झालर घंटी और शेषनाग भी चोरी हो गया है। यहाँ से असामाजिक तत्वों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन लोगों ने यहाँ पर अड्डा बना लिया अपना। प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया, मगर प्रशासन भी अपना टाइम टाइम से आता रहा, मगर प्रशासन को ये आग में मिर्ची डालकर ये लोग फरार होते रहे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक तो गश्त लग जाए और यहाँ पर कैमरे लग जाएँ, थोड़ा सीसीटीवी कैमरे लग जाए, ताकि मंदिर प्रशासन के निगरानी में रहे और इन जो भी ये मुजरिम है प्रशासन इनको पकड़े। और हमारे अजमेर की पुलिस बहुत अच्छी है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। किस तरीके का नशा करते हैं ये भैया? नशा इसमें सबसे बड़ा नशा है स्मैक नशा, जो कि लड़कों को बहुत बेकार नशा है, जिसमें भगवानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और इसके अलावा गांजा है, सिगरेट है, दारू है, शराब का सेवन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके, और हमारी बहन बेटियाँ भी इनसे ज़्यादा परेशान है, यहाँ पर मंदिर में भी नहीं आती है वो। 74 है और आतेड़ 150 साल पुराना मंदिर है ये प्राचीन। यहाँ पे क्या पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने एप्लीकेशन भी दी है और थाने अधिकारी को भी अवगत कराया था। यहाँ पे यहाँ के लोग हैं कुछ तो, और कुछ बाहर से आते हैं। यहाँ नशा गांजा यहाँ पीते हैं, ड्रग्स यहाँ लेते हैं, दारू वो यहाँ पीते हैं मंदिर परिषद के अंदर। उसके बाद यहाँ पे रोज 12-1-1 बजे तक यहाँ बैठते हैं और पूरा मोहल्ले वाले परेशान हैं, और यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ हमेशा करते रहते हैं। और उसके बाद कल रात को यहाँ से छत्तर चोरी हुआ माता जी का, उसकी सूचना हमें कल मोटर भाई पंडित जी ने हमारे को बताया कि यहाँ पे से छत्तर चोरी हो चुका है। अब ये है, हम पूरे मोहल्ले वाले भी बैठ के एप्लीकेशन भी दे देंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और यहाँ के लोग, ये पुलिस प्रशासन के भी जो लोग आते हैं वो खुद भी इतना फोर्सफुली यहाँ काम नहीं करते हैं, वो भी हाई एलो में निकाल देते हैं, ना कानूनी ठोस कार्रवाई की जाती है। वो भी मिले जुले हैं, यहाँ आते हैं ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, और इनकी मिलने वाले ही आते तो, और ये लाने वाले भी पहले तो मोहल्ले के। कितने का नुकसान हो चुका है? लगभग ये 15,000 से 10,000 का नुकसान है पूरे मोहल्ले, 20,000 का लमसम नुकसान है। इसको लेकर के आज शिकायत दी है? हाँ, शिकायत भी दी है, प्लस हम चाहते हैं कठोर कार्रवाई हो। किशनगंज थाने में मंदिर वैशाली नगर पारिशनाथ कॉलोनी के पीछे आतेड़ माता प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कल रात्रि के दिन माता जी के मंदिर में चोरी हुई है। रात्रि लमसम 2:30 से 3 बजे के लमसम यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लड़के आते हैं, जो कि यहाँ पर ड्रग्स और ड्रिंक वगैरह करते हैं, और उन्होंने उनकी कुछ परवरिश के लिए, कहीं पैसे नहीं होंगे उनके पास, माताजी के गेट की यहाँ पर कुंडी तोड़ी। सामने माताजी के यहाँ पर छत्तर था, लमसम 1/2 किलो के करीब का था, और मंदिर की झालर आती है उसका वजन 3 किलो था, पीतल की थी वो, उसको भी ले गए। पीछे शिव महादेव का मंदिर है, वहाँ पर जो शेष नाग है उसको आधा तोड़ मरोड़ के ले गए यहाँ पर, और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ पर उन्होंने चोरी करी। और रात बिरात यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, जुएँ खेलते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे सामाजिक तत्व के लोग हैं। हम इनसे परेशान हैं, उत्पीड़न है परेशान, हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, और पुलिस प्रशासन से निवेदन है इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें।